हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब आज फिर से जो है एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो आप लोगों के लिए गाइस आ चुकी है। और गाइस मैं जो है थोड़ा सा नर्वस भी यहां पर फील कर रहा हूं, थोड़ा सा डर भी है दिमाग में। सारी चीजें आपको पता है क्यों है? क्योंकि गाइस आज मैं 10,000 फीट की ऊंचाई से एक प्लेन से कूदने वाला हूं, जंप करने वाला हूं। और गाइस कहने में जितना इजी लग रहा है उतना इजी बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। प्लेन से नीचे कूदना है, पैराशूट की मदद से लैंड करना है। मैंने सोचा कि आपको भी दिखाया जाए जिससे कि आपको भी थोड़ा सा फील हो सके, आपको भी थोड़ा सा मजा आ सके। तो गाइस इस वीडियो के लिए क्या बोलूं, लाइक वाइक का मेरा मन नहीं कर रहा अभी ज़्यादा कुछ बोलने का। गाइस चलो जो भी है इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मज़ेदार वीडियोज के लिए। देखते हैं गाइज आपको पूरा जो जर्नी है वो दिखाएंगे कि किस तरीके से हम जो है कोई भी पैराशूट जंप करते हैं। मैं खुद कूदने वाला हूँ, कैसे हम जो है प्लेन के अंदर जाते हैं, कितनी ऊंचाई पर प्लेन लेकर के जाता है, फिर वो किस तरीके से जो है हमको ड्रॉप करता है, कैसे पैराशूट खुलता है, पूरी जो जर्नी है, जो लैंडिंग जो है वो कैसे होती है, सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। और गाइज इतना कुछ मैं बोल पा रहा हूँ तो उससे भी आप समझ सकते हो कि मतलब मेरी हालत है, आप लोग समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं जो है दिमाग में। चलो फटाफट से शुरू करते हैं गाइज और प्लेन से कूदते हैं। चलो लाइक कर देना। तो गाइस यहां पर जो प्लेन है वो आ चुका, आप लोग देख सकते हो। और अब जो है ये हमको लेके जाएगा आसमान की ऊंचाइयों में और वहां से जो है गिरा देगा। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या बात है, सिंगल प्रोपेलर का प्लेन जो है, कोई जेट नहीं, टर्बो जेट नहीं है, नॉर्मल जो प्रोपेलर वाला प्लेन होता है वो है। तो गाइस यहाँ पर जो है पैराशूट जंप के रिस्क के बारे में बता रहे हैं, एक वीडियो है पूरा कि कोई भी पैराशूट जंप जो है परफेक्ट नहीं होता, खतरा हमेशा बना रहता है। तो गाइस प्लेन आ चुका है और यहाँ पर मुझसे एक फॉर्म भी जो है भरवा लिया गया है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर कुछ भी हो गया, अनफॉर्चुनेटली अगर कोई मर गया, गिर गया, कुछ भी हो, कैसा भी केस हो, लेकिन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जो कुछ है मैं अपने रिस्क पे कर रहा हूँ। पैराशूट फेल भी हो सकता है, पैराशूट ना भी खुले, अच्छे से ना खुले, सही से काम ना करे, इन एनी केस किसी भी तरीके से हम इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। कुल मिलाकर के हमारी खुद की जिम्मेदारी गाइस। तो ये वाली जो चीज़ है, वैसे यार ऑब्वियसली ये चीज़ तो करनी पड़ेगी। और यहाँ पर वैसे और प्लेन भी आ चुके हैं, एक प्लेन ये वाला भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो खड़ा हुआ है। तो गाइस अब जो है लगभग अब से आधे घंटे में मैं प्लेन के अंदर जाऊंगा और ऊपर से कूद जाऊंगा और फिर देखते हैं कि क्या होता है, कैसा लगता है। अभी तो मुझे ठीक लग रहा है, सारे इंस्ट्रक्शंस की वीडियो भी एक दिखा दी गई है कि पैराशूट जो है ये थोड़ा सा रिस्की काम होता है, इस तरीके से कूदना एंड ऑल। लेकिन सेफ्टी की बात यह है कि एक रिज़र्व पैराशूट भी होता है, अगर मेन पैराशूट काम नहीं किया तो रिज़र्व पैराशूट का यूज़ आएगा, यानी कि अगर वो नहीं खुला तो उस पैराशूट को वैसे हवा में छोड़ दिया जाएगा बिना खुले को, उस पूरे बैग को ही। उसके बाद में दूसरा रिज़र्व पैराशूट होता है एक्स्ट्रा, तो वो वाला जो है वो फिर काम आएगा। उम्मीद करते हैं उसकी ज़रूरत ना ही पड़े तो ज़्यादा बढ़िया है। चलो देखते हैं गाइस अब प्लेन में चलेंगे एक बार, थोड़ा सा ये लोग जो है अलाउ कर देते हैं हमको उसके बाद में। तो गाइस जंप से पहले आप लोगों को एक बार प्लेन भी दिखा देते हैं कि जो प्लेन होता है ये वाला जो कि स्काई डाइविंग में यूज़ आता है या फिर एक नॉर्मल जो 4 सीटर प्लेन होता है वो किस तरीके का दिखता है। गाइस कमर्शियल जो प्लेन्स होते हैं जैसे कि जेट्स वगैरह में तो आप लोग भी बैठे होंगे, लेकिन जो छोटे प्लेन्स होते हैं उनमें बैठने का मौका जो है ज़्यादा लोगों को नहीं मिलता है। तो गाइस यहाँ पर है प्लेन
और आई डोंट नो कि एग्जैक्टली यही प्लेन हमको लेके जाया गया नहीं, लेकिन गाइस ये प्लेन अभी तो खड़ा हुआ है, अभी आगे खड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपको एक बार ये दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो मशीन है वो कितनी खूबसूरत लग रही है, और सोचो कि ये जो है हवाओं की सैर करता है। आप देख सकते हो एक डिसेंट साइज़ का यहाँ पर प्रोपेलर है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो बस इसकी हाइट जो है मेरे बराबर ही है, थोड़ी सी ज़्यादा, आप लोग देख सकते हो यहाँ तक जा रहा है, मेटल है। टायर साइज़ बहुत छोटा है, कहीं ना कहीं मैं आपको अगर बताऊं तो जो स्कूटर का टायर होता है अपने स्कूटी का, उसके जो है बराबर ही है। ये है प्लेन का पीछे का हिस्सा, आप लोग देख सकते हो ये रडर वगैरह है जो है, ये ऐसे ऐसे होता है और ये वाला ऐसे ऐसे होता है जब प्लेन को ऊपर नीचे या इधर उधर करना होता है, आप लोग समझ गए होंगे। अब दिखाते हैं आपको प्लेन के अंदर की चीज़, इसको जब खींचेंगे ये देखो गाइस प्लेन का गेट खुल चुका है। तो गाइज एक बार आपको इसके अंदर बैठ करके बताता हूँ कि कैसे फीलिंग आती है आखिरकार गाइज एक पायलट की सीट पर बैठ करके। हालांकि गाइज मुझे उड़ाना तो नहीं आता, चढ़ने के लिए गाइज यहाँ पर जो है कुछ नहीं है, मैं सीट को पकड़ करके चढ़ जाता हूँ अंदर। और अब भाई साहब मैं आ चुका हूँ गाइज एक प्लेन की पायलट सीट के ऊपर। यहाँ पर ये जो है गाइज ये वही है जिसको पकड़ करके प्लेन की डायरेक्शन है वो चेंज करी जाती है। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि ये जो है ना प्लेन का स्टीयरिंग है, ये प्लेन का हैंडल है, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पर। यहाँ पे लिखा हुआ गाइस ओपन पुश ओपन पुल मैक्स लीन, पता नहीं इन सब का क्या मतलब है, अब अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बताता गाइस। नीचे जो है दो दो पैडल हैं और जिनके पास में जो पैर है वो देखो पहुँच जाएगा, लेकिन मैं इसके ऊपर जो प्रेस नहीं करूँगा अभी क्योंकि मुझे नहीं पता गाइस। जो अधूरा ज्ञान होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए मैं कहीं भी कुछ भी नहीं कर रहा। ऊपर जो है यहाँ पर ये अपने भाई कम्युनिकेट करने के लिए बेसिकली जो है आपके हेडफोन्स वगैरह है, जिसमें एक माइक भी है जिससे जो है नीचे क्या हो रहा है बेसिकली जो ATC है उससे कंट्रोल हो सकता है, सारे भी जो भी चीज़ें हैं वो अपने को बढ़िया से सुनाई दे सकती है। कुल मिलाकर के गेट बंद अगर हो जाएंगे तो ये जो है अंदर एक गाड़ी जैसा ही फील कहीं ना कहीं दे रहा है। दो सीट आगे हैं इसमें और दो सीट ही पीछे हैं। ये हार्नेस है और यही जो है मुझे पकड़ के रखेगी इतना ऊपर से। मनीष भैया जो है उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें समझा दी ऑलरेडी कि क्या क्या हुआ कैसे हुआ। मनीष भैया 10,000 फीट से जो है कूदने वाले हैं, कितना दूरी तक बिना पैराशूट के जो है फॉल होगा? अब आप 5,000 फीट तक अराउंड आपको जो पैराशूट ओपन नहीं हुआ होता है उसके बाद आपका फ्री फॉल टाइम एंड होता है। सो लाइक 5,000 फीट तक सीधा ही गिरेंगे और उसके बाद में जो बाकी 5,000 फीट है वो पैराशूट से होगा। पैराशूट रह गया। अच्छा एक देखो सबके दिमाग में डाउट होता है, एक जनरल सा वो है कि अगर इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर पैराशूट नहीं खुलता तो क्या हो सकता है? दो पैराशूट होते हैं अपने पास में गाइस, एक रिजर्व पैराशूट होता है, अगर मेन पैराशूट नहीं खुला तो उसको छोड़ दिया जाएगा और जो रिजर्व पैराशूट है वो फिर उसके बाद में आगे की कार्यवाही करेगा। तो गाइस अब हम भी आगे की कार्यवाही करते हैं और इसको कैसे बांधते हैं भाई मुझे बता दो जरा। अगर मतलब हवा में प्लेन बंद हो जाए तो क्या होगा? मैं बाहर निकल के पंखा घुमाना पड़ता है। प्लेन में इंजन होते हैं दो, बाहर निकल के इसमें तो एक इंजन है ना, बाहर निकल के पंखा घुमाना इमरजेंसी के सब ऑप्शंस होता होगा डेफिनेटली। टेल मी हाउ वाज दैट बड़े एक्साइटेड? बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ लेकिन थोड़ा सा डर भी है कहीं ना कहीं माइंड में। अंदर जा रहे हैं फिलहाल।
ही फटती है। गिरते टाइम जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज्यादा ऊपर में जो है जैकेट लेना भूल गया था लेकिन हो गया गाइस, जो कुछ आपको दिखाना चाह रहे थे सक्सेसफुली यहाँ पर दिखा रहे। आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा हाइट है और हम लोग देखो पैराशूट से लटके हुए, पर नीचे का कैन यू प्लीज शो मी। हाँ जी वाओ भाई नज़ारा देखो एक बार भाई, डर लगता है, मजाक नहीं कर रहा मैं, डर लगता है। शुरू में मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी इजी होने वाला है लेकिन जो कूदने का टाइम आया बहुत अलग है। यहाँ पर जो है ये क्या था भाई? गाइस मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर मुझे पता होता कि ऐसा लगेगा तो शायद मैं नहीं करता। अभी भी ठंड लग रही है मेरे को, मतलब अब तो नीचे गर्मी हो गई, बहुत ज्यादा ठंड थी। कैसा लग रहा है सर? अरे बहुत तगड़ा लग रहा है भाई, क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं समझ में नहीं आ रहा। इसको खोल सकते हैं अभी? बिल्कुल खोल सकते। कैसे खुलेगा ये? तो उसको खोलो गाइस, फिर बताता हूं मैं आपको क्या हुआ है यहाँ पे। आई डोंट नो कि आपको जो है गोप्रो में प्लेन में कुछ सुना होगा या नहीं सुना होगा यार, जब ऊपर थे ना वो प्लेन अभी आ रहा है, जब ऊपर थे तो उस टाइम पे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। जब उसके बाद में जंप हुआ उसके नेक्स्ट जो 5 सेकंड्स थे वो कुछ अलग ही क्रेजीनेस थी उस 5 सेकंड के अंदर। मैं जैकेट भूल गया लेना यार, उसकी वजह से जो है हाथ पैर ऐसे चिल्ड हो रखे हैं मेरे। देखो ये हाथ जो है वाइट सा हो गया, कैसा हो गया हाथ, दर्द हो रहा है हाथ पैरों में, यहाँ फिंगर्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे भाई। आँखें मोटी मोटी कैसे हो गई थी अलग से? ठीक है, ग्लास ग्लास का निशान हो गया। ये तो कुछ अलग ही था भाई, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू भाई। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा वहां जाके गाइस, दो सौ इससे ले लो, मैं नहीं करता। जब प्लेन से कूदते हैं ना उस टाइम मन किया कि नहीं 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 मना कर देते हैं, रहने देते हैं, लेकिन फिर लगा कि नहीं यार अब अगर हमने छोड़ा ना, अब अगर क्विट किया तो जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, मज़ा जो है वो बिल्कुल नहीं आ पाएगा और आप लोगों को भी क्या दिखाएंगे फिर। तो गाइस कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए कुछ किया है। ठंडी मुझे अभी भी लग रही है, थोड़ा सा वार्म अप हो लेता हूँ मैं। अरे जैकेट का ध्यान नहीं दिलाया यार तुम लोगों ने, मैं लेके भी आया था, यहाँ तक जैकेट पहन रखी थी। यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है, मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए बिल्कुल। हाँ चाय वाय बनवा दो यार। तो गाइस आई होप कि आपको जो है आज कुछ नया देखने को मिला होगा, आई होप कि आपको जो है गाइस आज मज़ा आया होगा इस चीज़ में। भाई साहब मेरे लिए तो बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और अच्छी बात यह है कि गाइस सब कुछ हो चुका है, आप लोगों के सामने मैं एकदम सेफ एकदम सिक्योर खड़ा हुआ हूँ। जैकेट दे दो मुझे यार, ठंड लग रही है अभी भी, हमको ठंड थी ऊपर। गाइस ऐसा जो है ना डेली डेली तो बिल्कुल नहीं होता है। तो भाई आज के लिए इतना ही वीडियो में, अगर आपको मज़ा आया वीडियो के अंदर तो लाइक ज़रूर से कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए गाइस। ये जो कुछ भी कर रहे हैं आपको कुछ नया दिखाने के लिए कर रहे हैं। प्लेन जो है वो नेक्स्ट, तो गाइस यार ये जो है कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल फन था। अब जा करके सांस में सांस वापस आ चुकी है। तो गाइस अब जो है मैं खुश हो सकता हूँ सक्सेसफुली यहाँ पर जो है कर चुके हैं। और जब हम उससे गिर जाते हैं ना प्लेन से और जब पैराशूट खुल जाता है भाई साहब, जो तगड़ी फीलिंग आती है ना कि गाइस हम बच गए, हमने एक कर दिखाया, वो वाली एक फीलिंग आती है और वो जो है बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस देती है। तो अगर आपको मज़ा आया इस वीडियो में तो वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर देना। गाइस इस वीडियो का टारगेट 2 मिलियन लाइक्स का तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। 2 मिलियन से कम लाइक्स इस वीडियो पे नहीं होने चाहिए। गाइस मैं सच्ची बताऊँ आपको, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं स्काई डाइविंग करूँगा। मैं हमेशा इस चीज़ से थोड़ा दूर रहना चाहता था। एक दिन दिमाग में हुआ कि चलो यार करके देखते हैं, लेकिन डर फिर भी था। फिर सोचा कि आपको दिखाते हैं, और जैसे ही ये सोचा ना सारा जो डर है एकदम के लिए चला गया कि यार आपको कुछ नया दिखाने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो जो भी है गाइस वीडियो को लाइक कर देना, 2 मिलियन का टारगेट है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच। चाय लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि यार मैं जैकेट की गड़बड़ हो गई। बस मैं पूरे रास्ते यही सोच रहा कि मेरे को जैकेट मिल जाए या कुछ मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी ऊपर। अगर ये होता ना तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट जैकेट नहीं था मेरे पास और टी शर्ट में था मैं, तो इस वजह से हाथ पैर सब कांपने लग गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से मुझे लगता है एटलीस्ट यहाँ और वहाँ में कम से कम 20 डिग्रीज का फ़र्क तो होगा। मेरे हिसाब से वहाँ टेम्परेचर 5-7 डिग्री से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था, और उसमें एक टी शर्ट में होना